हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब। मैं पंकज एक बार फिर से वेलकम करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल टेक्निकल पंक पर। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा हाल फिलहाल में ही खोजे गए अब तक के सबसे छोटे सितारे के ऊपर, जो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सैटर्न से साइज में थोड़ा ही बड़ा है। इस तारे का नाम है EBLM J0555557AB। तो गाइस, आप इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि मैं इस वीडियो में खोलने वाला हूं इस तारे की पोल। तो बिना टाइम खोटी किए गाइस, लेट्स बिगिन। तो गाइज, एस्ट्रोनॉमर्स ने यूनिवर्स को खंगालते हुए खोज निकाला है अब तक का ज्ञात सबसे छोटा तारा। ये तारा हमारी पृथ्वी से लगभग 600 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। नाम है इसका EBLM J0555557AB, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और गाइज, ये तारा बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा है और चक्कर लगाता है एक बेहद ही विशाल तारे का। और रिसर्चर्स का मानना यह है गाइज कि स्टार बेहद ही कम द्रव्यमान, बोले तो मास से बन पाया है, जिसकी वजह से इसकी कोर में फ्यूजन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन निरंतर, बोले तो कंटिन्यू नहीं हो पाया। और इसी कारण गाइस, ये एक प्रॉपर स्टार ना बनकर कन्वर्ट हो गया एक ब्राउन डॉफ स्टार में, जिन्हें हम भूरे रंग के बौने तारे कहते हैं। और यही रीजन है गाइस कि रिसर्चर्स ब्राउन डॉफ स्टार्स को फेल्ड स्टार्स भी कहते हैं। लेकिन गाइस, इस स्टार के इतने छोटे आकार के बावजूद भी इसने अपनी कोर में इतना मास रखा हुआ है, या यूं कह लीजिए मेंटेन किया हुआ है, कि अपनी कोर में मौजूद हाइड्रोजन का फ्यूजन हीलियम में कर ही लेता है। और हालांकि गाइस, ये स्टार एस्ट्रोनॉमर्स की नजरों में एक स्टार के रूप में क्वालिफाई तो कर गया, लेकिन गाइस ये एक बेहद ही धुंधला तारा है। कहने का मतलब ये है गाइस कि इसकी चमक बेहद ज्यादा कम है। अगर हम अपने सूरज से इस तारे की चमक की तुलना करें तो ये तारा हमारे सूरज से 2 से 3 हजार गुना ज्यादा कम है। और गाइस, एस्ट्रोनॉमर्स का कहना यह भी है कि इस तारे को इसके पेरेंट स्टार की विशालता और चमक के आगे ढूंढना एस्ट्रोनॉमर्स के लिए किसी चैलेंज से कम बिल्कुल नहीं था। और तो और, एक रिसर्चर ने यहां तक कह दिया गाइस कि इस तारे को ढूंढना उनके लिए ऐसे था जैसे लाइट हाउस के पास एक मोमबत्ती को देखना। और गाइस, जिस टीम ने इस स्टार को डिटेक्ट किया था, उनका कहना यह था कि इस तारे को डिटेक्ट करने से पहले उन्हें पता ही नहीं था कि वो क्या देख रहे हैं। उस वक्त तक उन्हें ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो अब तक का सबसे छोटा स्टार देख रहे हैं। इसका पता उन्हें तब चला गाइस जब ये स्टार अपने बेहद विशाल पेरेंट स्टार की ऑर्बिट करते हुए उसके सामने से गुजरा। और गाइस, आमतौर पर एस्ट्रोनॉमर्स इस प्रोसेस के थ्रू एक्सोप्लैनेट की खोज किया करते हैं, क्योंकि जब कोई एक्सोप्लैनेट अपने पेरेंट स्टार के सामने से गुजरता है तो वो एक्सोप्लैनेट अपने स्टार के कुछ प्रकाश को ब्लॉक करता हुआ गुजरता है, जिससे एस्ट्रोनॉमर्स को ये आइडिया लग जाता है कि वहां जरूर कुछ है। और गाइस, इसी तकनीक का यूज करते हुए अब तक के सबसे छोटे स्टार की खोज हुई। हालांकि ये एक स्टार है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ और मेजरमेंट्स का सहारा लिया गया था। रिसर्चर्स का कहना ये भी है गाइस कि इस स्टार का मास 1 साल पहले खोजे गए TRAPPIST-1 स्टार के मास की तुलना में ज्यादा है। लेकिन अगर रेडियस की बात करें गाइस, तो ये 30% छोटा है TRAPPIST-1 स्टार से। अब क्योंकि गाइस, ये स्टार डिम, छोटे और ठंडे तारे माने जाते हैं, तो एस्ट्रोनॉमर्स का इस पर ये कहना है कि बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं जिनके आसपास ऐसे वर्ल्ड, ऐसे प्लैनेट्स मौजूद हों जो लाइफ को सपोर्ट करते हों, जहां पानी तरल अवस्था में मौजूद हो सकता है। और इसलिए गाइस, एस्ट्रोनॉमर्स इन स्टार के आसपास मौजूद ग्रहों पर लाइफ की पॉसिबिलिटी को सबसे ज्यादा मानते हैं। और साथ ही एस्ट्रोनॉमर्स ये भी कहते हैं गाइस कि हमारे सूरज के मुकाबले 20% से कम मास रखने वाले इन बौने तारों को डिटेक्ट करना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनकी चमक बहुत ही ज्यादा कम होती है। जबकि दूसरे बड़े सितारों की तुलना में ये बौने तारे यूनिवर्स में कॉमन पाए जाते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने बात की खोजे गए अब तक के सबसे छोटे स्टार के ऊपर। आगे आने वाली वीडियोस में मैं कवर करने वाला हूं रेड डॉफ, व्हाइट डॉफ और ब्राउन डॉफ स्टार्स को। और भी बहुत से टॉपिक हैं जिन्हें मैं इस सीरीज में एक्सप्लोर करने वाला हूं। आप लोग भी अपने टॉपिक्स मुझसे शेयर कर सकते हैं। हफ्ते में एक वीडियो मैं आप लोगों के रिक्वेस्टेड टॉपिक्स पर लेके आऊंगा। तो गाइस, आप अपने टॉपिक्स मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उस टॉपिक को मैं उन्हीं के नाम के साथ वीडियो में शामिल जरूर करूंगा जिनका वो टॉपिक होगा। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस इन्फॉर्मेशन को अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। कोई क्वेश्चन हो या सुझाव हो तो कमेंट के द्वारा आप लोगों के लिए खुले हुए हैं। क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, सजेशन है तो दे सकते हो। और जिन भाइयों ने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए गाइस, क्योंकि यहां मैं एक्सप्लोर करता हूं यूनिवर्स और टेक्नोलॉजी को एक अलग ही लेवल पर। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में इस घंटे को भी दबाइएगा,
नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। तो मिलते हैं गाइज अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर।